यहाँ आप लखनपुर पहुँचे हैं, राष्ट्रीय रियासत जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है जी। यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर रोका है, क्या कहना है, क्यों आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा? निश्चित रूप से ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद एक आम हिंदुस्तानी वहाँ तिरंगा लेके नहीं जा सकता। ये इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश की सरकारों को इस पे सोचना चाहिए कि जो देश का अभिन्न अंग है वहाँ राष्ट्रध्वज लहराने से किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। इस पे बहुत गंभीरता से सरकारों को विचार करना चाहिए और आम हिंदुस्तानी जो मन में जहन में एक चिंता बना के बैठा है कश्मीर को, उसको दूर करने का प्रयास केंद्र की सरकारों को करना चाहिए। कितने लोगों का दल है जो यहाँ पे जहाँ से श्रीनगर के लिए रवाना होने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं? हमारे साथ राजस्थान से राष्ट्रीय करनी सेना की इकाई है, मध्य प्रदेश महिला इकाई है, महाराष्ट्र महिला इकाई है, उसके बाद गुजरात की टीम है, उसके बाद हरियाणा की टीम है, उसके बाद बिहार की टीम है, उत्तर प्रदेश की टीम है, कुल जमा 11 स्टेट की टीम हमारे साथ है और सब लोग प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल हैं। ऐसे में यहाँ पे आपको लखनपुर में रोक लिया है, पुलिस ने आपको कहा कि आप आगे नहीं जाओ, ये कहना है पुलिस का? बिल्कुल यही कहना है। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हम कल आपको बता पाए, जो हम संकल्प लेके चले पहले उस संकल्प को प्रतिपादित करें हम लोग, वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। दोबारा हम आप लोगों के सामने आएंगे हमारी रणनीति को इम्प्लीमेंट करने के बाद, आपको बताएंगे कि हम लोग पहुंचे हैं, हमने तिरंगा फहराया। आप लोग जा रहे हैं? धन्यवाद। हाँ बिल्कुल सर, हमारी टीमें पहुँचेंगी। मैम आप